तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वॉक साइकिल करेक्टर की एनिमेशन। और लेट सपोज मैंने ये तीन एसेट्स उठा लिए, प्री मेड एसेट्स जो है, फ्री पिक्सल उठा लिए। ये कोई भी एक मैं करेक्टर जो है उसको मैं एनिमेट कर लेता हूँ। मैं इसी करेक्टर का एक साइड पोज ले लेता हूँ, दिस साइड ये ले लेता हूँ, बिल्कुल ही एक साइड पोज ले लेता हूँ। अगर मैं ठीक है, मैं इसको एक न्यू फाइल में ले जाता हूँ, करेक्टर साइड पोज, पेस्ट करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं ठीक है, ये मेरा एक साइड पोस्ट का करेक्टर है, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ मैं इसको करेक्टर साइड पोस्ट के नाम से। अच्छा, इसकी मैं अब लेयरिंग करूँगा, सिंगल लेयर पे ना इसको मल्टी लेयर करूँगा। मल्टी लेयर करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें अलग करनी होंगी। लेट सपोज मैंने इसका हैंड ले लिया, ये इसका राइट हैंड होगा, अगर ये इस पोजिशन पकड़ा तो इसका राइट हैंड है, हैंड राइट, ओके। देन ये इसकी लैग हो गई, सही है, ये इसकी लैग हो गई। लेट सपोज कि ये इसकी राइट लैग है, ठीक है, बॉडी हो गई इसकी, बॉडी विद नेक होगी इसकी, चलो फेस अलग कर लेते हैं, फेस आ गया ये, ठीक है, ये इसकी लेट सपोज बॉडी हो गई, ठीक है, लेग इसकी बॉडी से नीचे होगी। और लेग की एक रेप्लिकेशन ले रहा हूँ, मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ लेग को, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट भी, लेग को सिर्फ रेप्लिकेट किया है, जो कि उसके बैक साइड पर रखी हुई होगी, ये होगी लेग है एल, जो कि लेग साइड लेफ्ट वाली लेग जो है वो राइट वाली लेग के पीछे होगी। सेम मैं इसका हैंड को भी रेप्लिकेट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ये होगा इसका हैंड एल, ठीक है, जो कि इसकी बॉडी के भी पीछे रखा हुआ होगा, ऐसे ही होगा, और लेग्स के भी, दोनों लेग्स के बाद होगा, समझ लो। ये मैंने एक तरीके से इसकी अरेंजमेंट कर ली, हैंड जो होगा सबसे पीछे होगा, जो लेफ्ट हैंड जाएगा उसके भी पीछे हैंड होगा, ठीक है ना। सेव कर लेता हूँ मैं इसको, इंपोर्ट करता हूँ मैं वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर, करेक्टर साइड पोज रिटेन लेयर साइजेस इंपोर्ट। ये मेरा एक करेक्टर आ गया, यहाँ पे साइड पोज आ गया इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रेगिंग करनी है इसकी, फेस का एंकर पॉइंट यहाँ होगा, जो मूवमेंट होगी फेस कनेक्ट होगा, एक मिनट, जो आपका राइट लेग होगी, राइट लेग होगी वो उसका एंकर पॉइंट आपका यहाँ होगा, ये आपका सोलो होता है, सोलो समझ लो, अभी एक लेयर दिखा रहा है खाली। सेम लेफ्ट लेग आपकी यहाँ होगी, तो ये हैंड लेफ्ट आपका यहाँ होगा, हैंड राइट आपका यहाँ होगा, सबके एंकर पॉइंट मैंने सेट कर दिए। बॉडी, बॉडी का जो मेरा एंकर पॉइंट होगा यहाँ होगा, ऐसा ही है। अच्छा, फेस कनेक्ट होगा, हैंड कनेक्ट होगा, हैंड कनेक्ट होगा बॉडी से, सेम ऐसे ही है। लेग्स को हम कनेक्ट नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि लेग्स का भी दारू मदार इससे भी फिलहाल नहीं है, कनेक्ट नहीं करेंगे। कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट का मतलब पेरेंटिंग होती है, पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी हिलेगी तो लेग्स पूरी पूरी हिल रही होंगी,
क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अब मुझे इसकी वॉक साइकिल बनानी है, ये चलता हुआ, ये चलता हुआ लगे। सबसे पहले हम लोग जो सेट करते हैं ना, वो करते हैं पोजीशंस बना लेते हैं, पोज बना लेते हैं। एनिमेशन के अंदर आप वॉक साइकिल के पोज देखो तो उसमें डिफरेंट पोजेज हैं, चार मेन पोजेज हैं, उसके अंदर मजीद एग्जैजुरेशन हैं, एग्जैजुरेट करते जाओ। तो मैं एक बेसिक सी टेक्निक फॉलो करता हूँ, उससे मेरा काम निकल जाता है। अपने एनिमेशन प्रिंसिपल्स पर जाके आप एनिमेशन प्रिंसिपल्स के वॉक साइकिल के प्रिंसिपल्स देख सकते हो आप। लेट सपोज कि करेक्टर वॉक साइकिल अगर आप देखोगे तो इस पर यहाँ पे पोजेज होते हैं कि किस तरीके से चलता है बंदा। तब जो बॉडी होती है वो सीधी होती है, लो पिसिंग, हाई कॉन्ट्रैक्ट, लो पासिंग, ठीक है। सेम ये आपके मजीद एग्जैजुरेट करना चले करते चले जाओ तो ये बता रहे हैं, एक बार करता बंदा बिल्कुल सीधा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, डाउन पे आता है, टॉप पे आता है, पास पोज होता है, अप टू होता है। तो ये करेक्टर्स बेसिकली चल रहा होता है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वॉक साइकिल बनानी है। तो मैं लेग से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ राइट लेग पे। ये पपेट टूल है। पपेट टूल क्या करता है, जैसे कि किसी भी ग्राफिक को इलास्टिक कर देता है पॉइंट्स की बेसिस पे, स्ट्रेच स्क्यूज करता है। अभी ये रोटेशन हो रही है, पपेट क्या करेगा, इस ग्राफिक के जो वेक्टर ग्राफिक है या रास्टर ग्राफिक है उसको क्या करेगा, उसको स्ट्रेच कर सकता है। ये नहीं तोड़ नहीं रहा, ये खींच रहा है उसको, ग्राफिक को खींच रहा है, वो खींचता आ रहा है और पतला होता चला आ रहा है, इलास्टिक कर दिया पूरा, समझ रहे हो। ये भी हो सकता है, इसमें देख रहो, समझ रहे हो ना। तो हम लोग ने 4 पॉइंट पपेट लगाया यहाँ पे, पपेट हमने लगाया 4.1, 2, 3, 4। एक फूड, एक आपका फीट का हो गया, एक एंकल का हो गया, एक आपका जो है ये नी का हो गया, और चौथा आपका थाई का हो गया, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पर लगा दिए, कहाँ पे, इस लेग पर लगा दिए पपेट, 4 पॉइंट पपेट लगा दिया मैंने इस पर भी, 1, 2, 3 एंड देन 4, ठीक है। तीसरा मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारा ठीक है, दोनों में मैंने पपेट लगा दिए। अब अगर आप वॉक साइकिल पे, अगर आप एज अ रेफरेंस चलकर देखो तो आपको पता चलेगा कि वॉक साइकिल आप रियलिटी में चलते कैसे, आपके हैंड्स की मूवमेंट क्या होती है, आपकी बॉडी की मूवमेंट क्या होती है, आपकी लेग्स की मूवमेंट क्या होती है। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन कर रहा हूँ खाली रोटेशन के ऊपर, कि आपकी लेग सपोज वाइट लेग पीछे हो तो लेफ्ट लेग आगे होगी, ठीक है। और जब आपकी राइट लेग पीछे होगी तो राइट हैंड आगे होगा, और लेफ्ट हैंड आपका पीछे होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारी इन स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइंड होगा यहाँ से। स्टार्ट का पोज से मैंने यहाँ पर एक की लगा दी, की लग गई है यहाँ से। 10 फ्रेम्स में आगे गया, 10 फ्रेम्स का मैं लेके चलता हूँ। 10 फ्रेम्स के अंदर हमारे आसानी हो जाती है कि हमारी डिवीज़न सही हो जाती है, और 20 फ्रेम्स लोगे उसकी डिवीज़न सही हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी। 40 फ्रेम्स लोगे उसकी डिवीज़न हो जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसकी दूसरी पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। अब जब होगा तो ये वाला हाथ पीछे आ जाएगा, ये वाला हाथ जो है वो आगे आ जाएगा, ये वाली लेग जो है वो पीछे चली जाएगी, आगे आ जाएगी, एंड ये वाली लेग जो है वो पीछे चली जाएगी। आ गई एक पोजीशन, आ गई स्टार्टिंग की एक पोजीशन दिख गई हमें।
तो देखा जाए तो हमारी एक एक साइकिल कंप्लीट हो गई सिर्फ एक एक साइकिल को कहते हैं कि अभी पूरी वॉक साइकिल नहीं, एक 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 हमारा लूप कंप्लीट हो गया है। अब हमें बीच में एग्जैजरेशन देनी है 5 फ्रेम्स के ऊपर। 10 का जो, अगर हमने 10 फ्रेम्स को लिए तो उसका मिड पॉइंट बनेगा 5 फ्रेम्स बनेंगे। 5 फ्रेम्स से बिल्कुल एग्जैक्ट पोजिशन आ रही है जो स्टैंडिंग पोजिशन है। मतलब एक वक्त ऐसा आता है कि सारी चीज़ें एक तरफ आ जाती हैं, फिर पीछे जाती हैं ओवरलैप करके, फिर वापस आती है तो एक वो तो फिर आगे पीछे जाती है। देखो बिल्कुल 5 पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टू सेम आ गई बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, मैं देखता हूँ लेग्स को। लेफ्ट लेग जो है बेसिकली आगे से पीछे जा रही है, जो पीछे से हमारी टांग आती है वो उठ के आती है, पीछे से हमारी टांग जो होती है वो उठ के आती है, देन आगे जो, और जो टांग हमारी मतलब पैर जो हमारा पीछे से आगे आता है वो उठ के आता है, जो आगे से पीछे आता है वो रिजिड जाता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट लेग है वो पीछे से आगे आ रहा है, तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारी राइट लेग है उसको डबल यू कर रहा हूँ तो पपेट्स दिखा रहे हैं मुझे, राइट लेग हमारी बेंड होगी। ठीक है, हमारी क्या हुई, राइट लेग हमारी बेंड हुई है और ये हमारी देन इनिशियल पोजीशन पर आ गई हमारी। ये मैंने स्टार्टिंग के फ्रेम्स कॉपी करे, स्टार्टिंग के ही फ्रेम मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया, कौन सी लगी, ओ हाँ सही 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 सही, ये मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। एग्जैक्टली मैं यही यहाँ पर कॉपी कर दूंगा, एक चीज का मसला हो गया। एक मिनट, ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई एंड देन ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई। ओके, सिर्फ मुझे पपेट्स कॉपी करने थे। ठीक है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई। ठीक है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई है। ओके, ये हमारी मिड पोजीशन हो गई है। अच्छा, मैं इसको सेव भी कर रहा हूँ साथ साथ। मुझे ये फाइल सेव करनी है, करेक्टर एनिमेशन वॉक साइकिल आफ्टर इफेक्ट्स करेक्टर वॉक साइकिल। ठीक है, अच्छा एक हमारा लूप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दूसरा हमारा लूप यहाँ पे क्या कंप्लीट होना है, देन मैंने क्या किया यहाँ पे, ये यह हमारा एक लूप कंप्लीट हो गया। मैंने 10 फ्रेम्स का गैप दिया और इसको कॉपी कर लिया, देन मैंने 10 फ्रेम्स का गैप दिया इसको कॉपी कर लिया, यानी दर हकीकत मैं यहाँ पे 20 फ्रेम्स आगे जाऊँगा तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। 10 10 फ्रेम्स के गैप के ऊपर हमारा जो है ये लेग वर्क पे आ गई। ठीक है, ओके, नाउ सेकेंड लेग पे आते हैं। अच्छा जी, सेकेंड लेग पर आ गए हम। तो जब ये वाला साइकिल कंप्लीट होगा तो यहाँ से पीछे वाली लेग, अब ये वाली लेग का साइकिल कंप्लीट शुरू होगा। तो इसकी इनिशियल पोजीशन हमने डिफाइन कर दी, ठीक है, एंड देन हमने इसकी इसकी फाइनल पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये वाला भी की फ्रेम हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया।
अब ये इसका लूप बन रहा है, यहाँ से इसका लूप बन रहा है, ये स्टार्टिंग है, ये लूप इसका बनेगा। इसका हमें मिड पॉइंट पर आ गए, मिड पॉइंट पर आकर मैंने इसकी लेग को सेट कर दिया। ठीक है, पहला लेग, मकसद ये है कहने का, जब पीछे से आगे जाएगा तो टांग जो है वो उठ के जाएगी, और जब आगे से देखो ये आगे से पीछे आ रही है तो ये रिजिड होके आएगी। ठीक है, अब एक ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने इस लूप को कॉपी किया, पेंटन फ्रेम्स के गैप से कॉपी कर दिया। अभी कॉपी कैसे हो रहा है देखो, जो ये साइकिल पूरा हो रहा है तो फिर ये वाला साइकिल शुरू हो रहा है, देन ये साइकिल शुरू हो रहा है, देन ये साइकिल शुरू हो रहा है। हमें कंट्रोलिंग इजी हो जाती है हमारी। ठीक है, ठीक है, अब हैंड्स पे आ जाते हैं हम। हैंड्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, हैंड को चाहो तो आप मधी इसमें एग्जैजरेट कर सकते हो पपेट डाल के, या तो ऐसे ऐसे हाथ चलें, या फिर ऐसे थोड़े से बैंड होके चलें, वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बैंड करके करना वो भी है। रोटेशन भी चला लो, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा रोबोटिक लगेगा, थोड़ा सा डिपेंड करता है स्क्रीन कितना बड़ा है। अब जैसे कि ये चल रहा है यहाँ पे, अगर चाहो तो फिर मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ। ये लिया, एक साइकिल पूरा हुआ, 10 फ्रेम्स के बाद दूसरा साइकिल पूरा हो गया, तीसरा साइकिल पूरा हो गया, चौथा साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, देन मैं आ गया इस पे लास्ट वाले हैंड की रोटेशन के ऊपर, मैंने इसको कॉपी किए। अभी देखो कर क्या रही है, देख लो अभी भी इसमें रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम बिल्कुल सिमिलर कर दूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर लाके इसको लूप बना दूँ इसका, तो देखो ये चलता ही रहेगा फिर ये। देख लो नॉन सीमलेस चल रहा है बिल्कुल। ये वाला फ्रेम बराबर होते हैं अगर, तो यहाँ पर आके मुझे करना है, या फिर यहाँ पर आके करना है मुझे एन, तो सॉरी एन और यहाँ पर बी, बिल्कुल सीमलेस हो जाएगा ये। तो ये एंड में अटक रहा है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एन। सही है, अब इसकी बॉडी में मूवमेंट देंगे हमें। बॉडी में कैसे मूवमेंट देंगे, अच्छा बॉडी जब ये वाली पोजीशन होगी बॉडी की, अल्टर शिफ्ट अगर मैं पी दबाता हूँ तो पोजीशन पे डायरेक्ट की लग जाती है, शॉर्टकट ही है। ठीक है, ऑल्टर शिफ्ट पी से पोजीशन पे की लग जाती है। ये वाली जब पोजीशन होगी तो बिल्कुल टॉप स्ट्रेट होगा, तो उसका जो बॉडी होगी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे होगी, लेकिन जब उसकी ये वाली पोजीशन होगी तो उसकी बॉडी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी बॉडी नीचे आ जाएगी टांगे अगर उसकी स्ट्रेच होगी तो। ये होगी यानी ये देखो, ये चीज़ होगी। ठीक है, मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ, इन की फ्रेम्स को कॉपी कर लेता हूँ, अगर लेट सपोज तो थोड़ी सी इसमें जान आ गई है।
देख रहे हो, सब बंदा कभी भी रिजिड नहीं चलता, कभी भी बिल्कुल कमर अकड़ी हुई है, ऐसा नहीं चलता, थोड़ा सा उसके अंदर मूवमेंट आती है। मूवमेंट किस तरह से आती है, अब जितना इसको एग्जैजुरेट करना चाहो कर सकते हो। करेक्टर एनिमेशन तो समझ लो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सब दिख रहा है तुम्हारे को, वहां से दिख रहा है ना प्रॉपर, देख लो, सब समझ में आ रहा है दोस्त तुम लोग। अच्छा, जितना इसको एग्जैजुरेट करना चाहो, हैंड मूवमेंट, हैंड वो हो रहे हैं, नेवर एंडिंग है। जितना इसमें डालना चाहो वो डालना चाहो, कम है। अच्छा, अब मैं अगर थोड़ी सी बॉडी में मूवमेंट देता हूँ रोटेशन से भी, बॉडी थोड़ी टिल्ट भी होती है। जब उसकी टांगे चिरती हैं, बॉडी आगे की तरफ तो थोड़ी सी डाउन होती है। रोटेशन पे जाता हूँ मैं, लगाता हूँ हल्की सी, मैं इसको जो है डाउन कर देता हूँ मैं आगे, ठीक है। एंड देन तब ये वाली पोजिशन आती है स्ट्रेट वाली, तो ये बिल्कुल थोड़ी सी जीरो हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ी सी जीरो हो जाती है। अब मैं इनको अगर की फ्रेम लगा के देखता हूँ, तो ये अब देखो थोड़ी सी मूवमेंट बॉडी में आई है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारी इनवर्स काइनेमेटिक्स होता है एक एनिमेशन, और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स होता है। इनवर्स काइनेमेटिक्स थोड़ा सा ये होता है कि अगर मैं अपने हाथ को हिलाऊंगा तो मेरी ये चीजें सारी चीजें खुद ब खुद मूव कर रही हैं, ठीक है ना। मैं अगर ये लाऊंगा तो मेरा ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली, ये सब चीजें इनवर्स काइनेमेटिक्स। आप 3D में आओ तो समझ में आएगा थोड़ा सा। तो हर चीज, कुछ चीजें होती है दूसरे के ऊपर एंटीसिपेट भी कर रही होती है, डिपेंड भी कर रही होती है। कर सकते हो, क्यों नहीं, बोलते हो जितना एग्जैजुरेट कर सकते हो। हाथ भी थोड़े से मूव हो सकते हैं, थोड़े से यूं करके मूव हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा देखो, जब बॉडी टिल्ट होती है तो बंदे का फेस थोड़ा सा जो है वो अपसाइड की तरफ, मतलब कि उसको जो कहते हैं ना इनवर्स फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसके ऊपर, डायरेक्ट फोर्स नहीं, इनवर्स फोर्स अप्लाई हो रही होती है, तो फेस जो होता है उसके ऊपर भी हल्का सा जो है इम्पैक्ट आ रहा होता है चलते टाइम पर। अब जब ये मैं इस पर वो लगा लेता हूँ, की लगा लेता हूँ रोटेशन पे, जब ये बॉडी इसकी झुकी हुई होगी तो फेस इसका थोड़ा सा उठा हुआ होगा, और जब ये बॉडी ऐसी होगी तो फेस इसका स्ट्रेट हो जाएगा। देख लो, जितना एग्जैजुरेट करना चाहो इसको कर सकते हो, लेकिन ये आप लोगों को डिटेल में सिखा रहा हूँ। आप लोग को देखना है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है, कितना बड़ा सीन है, क्या चीज़ है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है। ये देखो, फील आ गया हल्का सा फेस को देखते हुए, बॉडी प्रॉपर लग रही है कि जब उसकी बॉडी होती है, जब झुकती है या फेस करता है तो ये बकायदा अभी थोड़ा जोर मार के चल रहा है, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं तो हम अपनी लेग्स को जोर मार रहे होते हैं और हमारी बॉडी मूव कर रही होती है फॉरवर्ड। अभी थोड़ा सा जोर मार रहा है आगे की तरफ, और उसके बाद वो बकायदा चल रहा है बकायदा। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मैं इसके हैंड्स पे भी पपेट दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने लेग्स के ऊपर पपेट दिया है, मैं हैंड भी पपेट दे सकता हूँ। मैंने आपको आई ब्लिंकिंग सिखाई थी, मैं चाहूँ तो इसकी आई ब्लिंकिंग भी कर सकता हूँ। खैर, इस करेक्टर में इसकी आईज नहीं है तो मैं आई ब्लिंकिंग भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ हैंड को थोड़ा सा मजीद मोल्ड करने में, ठीक है। अब मैं हैंड को मजीद, वैसे तो मुझे ये भी सही लग रहा है अगर मेरी रुक है, लेकिन क्या कह रहे हो, थोड़ा सा बैंड हो तो रियलिस्टिक लगेगा। हाँ, रियलिस्टिक लगेगा, जितना रियलिस्टिक की तरफ जाते रहोगे तुम्हारा काम जो है वो। अच्छा, हाथ जब आगे से पीछे जाता है तो हल्का सा कर्व होता है, लेकिन जब पीछे से आगे आता है तो कर्व नहीं होता। ये हमारी जो हड्डी है वो, तुम्हारा जो देखा होगा एनाटॉमी है,
वो एक तरफ बेंड होती है लेकिन एक दूसरी तरफ बेंड नहीं होती। तो स्टार्टिंग पोजीशन में जो हमारा राइट हैंड है वो आगे है, राइट हैंड है वो हमारा आगे है, तो मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर पपेट लगा देता हूँ। ठीक है, चार पॉइंट से पपेट लगा दिए मैंने, ये हमारी इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई है। अब आ जाती है हमारी सेंटर पोजीशन, फिफ्थ फ्रेम की, समझ रहे हो? नहीं नहीं जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं, डिपेंड करता है भाई, ऐसे जरूरी नहीं कह सकते कि इनिशियल और फाइनल। हाँ, सीमलेस बनाने के लिए जो आपकी एंडिंग वॉक साइकिल होगी, एंडिंग और फाइनल सेम होगा तो सीमलेस बन जाएगा पूरा वॉक साइकिल। अब हल्का सा मैं अपना हाथ बैंड करता हूँ इसका, ठीक है। इसको मैं हटाया था सोलो मोड से, ठीक है। अब मेरी एक पोजीशन बन रही है। अच्छा, ये सेंटर में आगे नहीं होगी, सेंटर में आके थोड़ा सा जल्दी होगी ये, यानी जो मेरी ये वाली पोजीशन होगी सेंटर वाली, ये थोड़ी सी जल्दी होगी। दो फ्रेम्स पीछे कर देता हूँ मैं, एक फ्रेम पीछे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, 10-10 फ्रेम्स के गैप से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। लेट सपोज सेंटर ही कर देता हूँ, नो इशू, सेंटर ही कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं सेंटर में ही कर देता हूँ, ठीक है। अब पीछे आएगा और वापस वैसे ही आएगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये सही है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे किस पर आ गया मैं,